के सर कॉ इकले की मात्रा को पता है एस पे है के सौ है आपका यहाँ पे सौ और फिर रॉ जे पे है के सर नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन और दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा भी इंग्लिश का टाइपिंग कोर्स क्रैश कोर्स खत्म हुआ है जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं जो इंग्लिश टाइपिंग में इंटरेस्टेड है आज से हमारा हिंदी टाइपिंग स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों आज से हिंदी टाइपिंग स्टार्ट करने जा रहा है और हिंदी टाइपिंग में कृति देव स्टार्ट करने जा रहा है और ये टाइपिंग क्लास आपको दस दिनों तक चलेगी टेन क्लास होगी और उम्मीद करता हूँ आप सभी इन दसों क्लासों को अटेंड कीजिएगा आइए सबसे पहले देख लेते हैं सबसे पहले आप जानते हो गए अगर जिन्होंने इंग्लिस मुझसे पढ़ी होगी टाइपिंग की तो हम इस तरह से उंगली प्लेस करते थे ए एस डी एफ सेमी कॉलन एल के जे ठीक है इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे लेकिन अब हिंदी टाइपिंग में क्या होती है कि हमको ए को छोड़ देना है क्या करना है ए को छोड़ के यहाँ से रखनी है एस डी एफ जी ठीक है उसके बाद इधर से इधर एक दो तीन चार क्लियर बीच में एच और जे को छोड़ देना है आपको ठीक है फिर से देख लो एस डी एफ जी इधर से और इधर से फिर चार उंगली ठीक है एक दो तीन चार क्लियर एच और जे बीच में छुटा हुआ रहेगा किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में एच और जे बीच में छुटा हुआ रहेगा ठीक है, है और आप मैं बता देता हूँ कौन सी उंगली कौन से वर्ड को डिनोट करती है ठीक है सबसे पहले आपको मैं बता दूँ ये वाली जो उंगली है ये ए जिसको हम इसी उंगली से इसी उंगली से एक नंबर उंगली से टाइप करेंगे ठीक है कभी इसको इस तरह से टाइप करना रहेगा ठीक है ये उंगली आपको कखी है अंग जो बिंदु वाला होता है आगे मैं बताऊंगा स्क्रीन पे अंग होता है ठीक है एस ये होता है आपका एकले ए एक की मात्रा होती है ठीक है ये आपका होता है डी पे होता है आपका क एफ पे होता है आपकी छोटी एक मात्रा जी पे होती है आपकी ह ठीक है यहाँ तक समझ लिया इस साइड का फिर से समझ लो ये होता है अंग बिंदु वाला जो होता है अंग एस पे होता है आपको एकले की मात्रा एक की मात्रा जैसे रमे रे रो एक कार एक कार लगाते हैं ना वो मात्रा होती है एस पे डी पे होती है आपका कॉ एफ पे होता है आपका छोटी ई e की मात्रा छोटी की मात्रा और जी पे होता है हो ठीक है क्लियर अब इस साइड से देख लीजिए यहाँ पे यहाँ पे होता है आपका तालाब विश्व आधा उसके बाद आता है यो एल पे होता है आपका सौ सर सरहद सरहद में जो सौ होता है वो ठीक है वो सौ होता है यहाँ पे ठीक है क्लियर उसके बाद आपका के पे होता है आपका आ, आकार की मात्रा जिसको होता है राम रा लिखते हैं रौ आकार ये आकार की मात्रा होती है के पे और यहाँ पे जो होती है जे पे जे पे होती है आपकी रॉ की मात्रा ठीक है और एच पे होती है आपकी बड़ी की मात्रा जो दीर्घीकार जिसको आप लोग बोलते हो गए दीर्घी है ना रौ दिर्घिकारीता रौ दिर्घिकार वाला तो उसको बड़ी की मात्रा बोलते हैं क्लियर सारे आपको पता चले होंगे बहुत लोग यह सोचते होंगे कि आपको यहाँ पे ये सारे अंग अ क ख ये सब आपको दिया रहेगा तो कुछ नहीं दिया रहेगा एग्जाम सेंटर पे आपको इसी तरह इंग्लिश अल्फाबेट वाला ही कीबोर्ड दिया जाएगा तो आपको दिमाग में ये चीज़ याद कर लेना है कि आंख बंद करो मैं बता देता हूँ इस तरह से याद करना आंख बंद कीजिए इस तरह से आपकी फिंगर प्रिसिंग होगी ये पैक करोगे तो आपको याद रहेगा अंग है ठीक है पहले देख लो किस तरह से ये एक नंबर उंगली आपकी एकले है रॉ एक कार एक ये आपकी रॉ है ठीक है ये आपका हो गया छोटी की मात्रा ये जी पे हो गया हो एच पे हो गया और जी से ही चार नंबर से ही एच को भी दबाना है और ये हो गया आपका छोटी की मात्रा क्लियर सॉरी इसको नहीं दबाना है जी तक रखना है हाँ इसको दबाना है जी जी के बाद क्या हो गया आपकी छोटी की मात्रा क्लियर छोटी की एप पे है आपकी बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा जी पे है हो एच पे है बड़ी की मात्रा ठीक है एच बड़ी की मात्रा अर्थात जो दीर्घिकार होता है इस साइड आपको याद रखना है इधर है आपका तलब शॉ इधर है आपका आ, यो ये है आपका सौ दंत सौ जिसको बोलते हैं सरहद सरहद लिखते हो ना उसी वो सरहद के है आपका आकार की मात्रा जे है आपकी रॉ की मात्रा ठीक है क्लियर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत फिंगर प्लेसमेंट में तो अब हम किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे वो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ तो यहाँ पे आप फिंगर प्लेसमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह का फिंगर प्लेसमेंट आपको एस डी एफ जी इस साइड से एक दो तीन चार बीच में दो आपको छोड़ देना भाई है मैं आपको टैता तो पहला है आपका एस सही ए पे दबाओगे क्या है अंग ठीक है उच, बिंदु वाला उसके बाद है आपका एकले की मात्रा उसके बाद है डी पे है आपका क एफ पे है आपका छोटी की मात्रा जी पे है आपका ह एच पे है इसी से एच पो भी आपको प्रैक्टिस एच पे है बड़ी की मात्रा स्पेस दे देना है आपको इस साइड से यहाँ पे है आपका तलब शॉ सरहद वाला श आकार की मात्रा और र ये आपका इस तरह से चलता रहेगा फिर आपको इंटर करना है फिर इस तरह से आपको एक ले क सॉरी एक छोटी की मात्रा ह और बड़ी की मात्रा स्पेस तलब्य सौ य सौ आकार की मात्रा रॉ स्पेस इसी तरह से कंटिन्यू आपको दो दो घंटे डेली दो तीन दिन तक आपको प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये होम रो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कम से कम दो तीन दिन तक आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है ठीक है अब मैं आपको जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए लग, कम से कम दो घंटे तक डेली आपको दो घंटे प्रैक्टिस करनी है जब इसकी प्रैक्टिस हो जाए तो मैं आपको कुछ शब्द बता देता हूँ जो आपको प्रैक्टिस करनी है जैसे पहला आपका शब्द यहाँ पर देख सकते हो कि कार लिखना है आपको क्या लिखना है मान लीजिए कार कार के लिए सबसे पहले क आकार की मात्रा और र कार हो गया फिर स्पेस उसके बाद आपको लिखना है मान लीजिए कायर तो क लिख दीजिए क आकार की मात्रा आकार की मात्रा य और फिर र कायर उसके बाद है आपका जैसा केसर क्या है आपका दोस्तों केसर क इले की मात्रा को पता है एस पे है के स है आपका यहाँ पे स और फिर रॉ जे पे है केसर किराया मान लीजिए आपको लिखना है क्या किराया तो किराया लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो छोटी की मात्रा थी ठीक है उसको पहले आपको टाइप कर देना है कि छोटी की मात्रा की राया फिर रॉ किस पे है जे पे आकार की मात्रा किस पे है के पे आ या फिर या किराया क्लियर उस उसका लिखना है आपको सरकार तो सौ किस पे है एल पे स आकार और फिर से र सरकार ठीक है इसी तरह से जो भी शब्द होंगे दोस्तों आपके छोटे भाई बहन होंगे उनके पास छोटी किताबें होंगी क्लास वन टू की तो इस तरह के बहुत से शब्द आपके बनते होंगे तो इन शब्दों को आपको प्रैक्टिस करते रहना है ठीक है जो ए होम रो में जितने भी शब्द हैं उनको आपको खुद से बना के आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है क्लियर मैंने बता दिया कि क हर शिकार आप दिघिकार भी मैं थोड़ा आपको मैं दिखा देता हूँ मान लीजिए आपको र दृढ़ लिखना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये बड़ी की मात्रा आपको लिखनी है क्या लिखनी है आपको बड़ी की मात्रा दे दिया नहीं सॉरी पहले आपको लिख लेना है र र और फिर बड़ी की मात्रा दोगे ठीक है क्लियर रीता लिखने के लिए क्या करना है पहले र लिख लो जो शब्द है वो और उसके बाद बड़ी की मात्रा ही ठीक है क्लियर ये का था और जब हर्षिकार में लिखना रहे तो पहले ही हर्षिकार डाल देना हर्षिकार कहाँ पे आपका यहाँ पे है सॉरी एफ पे है हर्षि और फिर आपको दे देना है र तो ये हर्षिकार चाहे कोई भी वर्ण क्यों ना हो मान लीजिए आपको लिखना है सी तो सौ एल पे है सौ और आपको देना है दीर्घी हर्षी आपको देना है तो सौ और दीर्घी आपको देखना है तो दीर्घी के लिए सौ दीर्घी ठीक है जब दीर्घी देना रहे तो पहले ही वर्ण आप लिख लीजिए और जो भी हो और जो हर्षी कार आपको देना रहे छोटी की मात्रा देना रहे तो पहले आप हर्षी की मात्रा डाल दीजिए उसके बाद सौ लिखिए क्लियर यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो दोस्तों इस तरह से आप पहले आप आज का लेसन वन है तो ये लेसन आप प्रैक्टिस कर लोगे सारे लोग प्रैक्टिस करने के बाद अगले लेसन कार आपको पढ़ाया जाएगा तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें और अगर बेल आइकन को निशान को अब तक नहीं दबाया तो बेल आइकन को निशान को जरूर दबाएं आज हमारा क्लास वन है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें अपने दोस्तों में भी शेयर करें जय हिंद वंदे मातरम